हेलो स्टूडेंट्स, पाठक मैथ्स क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। ये 11th का JEE मेन का सिलेबस चल रहा है। पहला यूनिट इनइक्वालिटीज 18 वीडियो अपलोड हो गए, दूसरा यूनिट मॉड्यूलस 31 वीडियो अपलोड हो गए, तीसरा यूनिट लॉगरिथमिक 43 वीडियो अपलोड हो गए, चौथा यूनिट थ्योरी ऑफ इक्वेशन चल रहा है, उसमें स्पेशली हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन चालू किया, उसका ये 25वां वीडियो चल रहा है। और ये JEE मेन के 11th 12th के ऑल यूनिट्स हम YouTube पे अपलोड करेंगे, और वो भी हम दो चार प्रॉब्लम लेके टॉपिक को वाइंड अप नहीं करते हैं, 5-10 प्रॉब्लम लेके यूनिट को वाइंड अप नहीं करते हैं, तो पेड भर के प्रॉब्लम सॉल्व करके देते हैं, जिसके कारण आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो, साथ साथ आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो। सो जो लीडिंग किताबें हैं JEE मेन के, उसके नियरली अबाउट 60-70% प्रॉब्लम हम सॉल्व करके दे रहे, ठीक है। सो अपना चल रहा है नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैं बार बार बोल रहा हूँ, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन अलग है और नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन अलग है, वो अलग है, ये अलग है। नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिपेंड्स ऑन डिस्क्रिमिनेंट डी। सो नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ m, इंटीग्रल वैल्यूज बोले तो इंटीजर वैल्यूज, वो पॉजिटिव होंगे निगेटिव होंगे, फॉर विच दिस इक्वेशन हैज नो रियल रूट। दिया हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंडीशन दे दिया नो रियल रूट, तो m के कितने वैल्यूज होंगे, एक होंगी, दो होंगे, तीन होंगे, इनफाइनाइटली मेनी होंगे। ये क्वेश्चन पूछा था JEE मेन अप्रैल 2019 में। नाउ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन टू, गिवन दैट क्या दे दिया है रे, 1 + m² × x² - 2 × 1 + 3m × x + 1 + 8m = 0 हैज नो रियल रूट्स, हैज नो रियल रूट्स माना डी लेस देन जीरो, दैट इज b² - 4ac < 0। b² का वैल्यू 4 × 1 + 3m² - 4 × 1 + m² × 1 + 8m < 0। कितने से डिवाइडिंग करेंगे दीदी, डिवाइडिंग बाय 4। देखो इसमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, इसका कंडीशन दिया हैज नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स माना रूट्स आर कॉम्प्लेक्स, रूट्स आर कॉम्प्लेक्स माना डी लेस देन जीरो, सो डिवाइडिंग बाय 4 करेंगे, इसको खुलवा देंगे, ये होगा 1 + 9m² + 6m - ये होगा 1 + 8m + m² + 8m³ < 0। सो ये आएगा -8m³, 9m² - m² दिस इज 8m², ये वन चला गया, 6m - 8m - 2m < 0 डिवाइडिंग बाय -2, माइनस से डिवाइड किया तो, अरे माइनस से डिवाइड किया तो इनइक्वालिटी बदल जाता, क्या होता इनइक्वालिटी बदल जाता। सो जब इनइक्वालिटी बदल गया, सो इसमें से क्या किया जाए, m को कॉमन लिया जाए, सो अंदर बचेगा 4m² - 4m + 1 > 0, m × 2m - 1² > 0, और ये आ गया यूनिट नंबर 1 इनइक्वालिटी। सो इसको पोल तो है नहीं,
क्या बोला रे, इसको बोल तो है नहीं। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, इनइक्वालिटीज़ को देखो, इनइक्वालिटीज़ को देखो, दैट इज़ यूनिट नंबर वन। ये इनइक्वालिटी हमें बार बार लगाना पड़ता है। नाउ क्रिटिकल पॉइंट्स आर m इक्वल टू जीरो, m इक्वल टू वन बाई टू। सो दिस इज m इक्वल टू जीरो, m इक्वल टू वन बाई टू। हाईएस्ट क्रिटिकल पॉइंट जो है उसके राइट में हमने पॉजिटिव ले लिया, इसका स्क्वायर है। यदि पावर इवन आया तो सेम साइन रिपीट किया जाता। नाउ m इक्वल टू जीरो, इसका पावर है वन, अपोजिट साइन ले लिया। नाउ ग्रेटर देन जीरो है, बोले तो क्या करेंगे रे, पॉजिटिव इंटरवल्स आर कंसीडर, देयरफॉर इंटरवल फॉर m इज m बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to 1 by 2 and 1 by 2 to infinity. Now, देखो, m के values 0 to infinity में केवल half को निकाल दिया, half को वैसे भी हम नहीं लेंगे, क्योंकि क्या बोला उसने, integral values माना integer values, so कितने integers value होंगे इसमें, infinitely many integers value, so answer equal to option D। बहुत अवगढ़ था, was it अवगढ़, no, it is conceptual, so JEE main में केवल conceptual question आता है, concept लगाओ, राइट डायरेक्शन में लगाओ, मेहनत करो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। नाउ देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, सेट ऑफ रियल पैरामीटर, ये माना दिया हुआ प्रॉब्लम में पैरामीटर ये कैसा दिया है रे, रियल दिया है। नाउ इक्वेशन दे दिया है एक्स रेस टू फोर माइनस 2ax square plus x plus a square minus a equal to 0 has all real solutions। बोलो real solutions का मतलब क्या होता है, what do you mean by real solutions? Real solutions बोले तो d greater than equals to 0, क्योंकि d equal to 0 के लिए real होता, d greater than 0 के लिए भी real होता, दोनों को combine करेंगे तो greater than equals to 0 आएगा। So I think मैंने ऐसा एक problem solve करा दिया था और उसमें बोला था x raise to 4 आया तो क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करने की कोशिश करना। बोलो क्या बोला था, एक्स रेस टू फोर आया तो क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करने की कोशिश करना, लेकिन इसके कांस्टेंट, इसके कोएफिशिएंट रियल पैरामीटर कांस्टेंट ये है, इसीलिए इसको कन्वर्ट करने की कोशिश नहीं कर सकते। सो मैं क्या करता हूँ कन्वर्ट इंटू ये राइट, दैट इज rewrite as a quadratic in A, मैं क्या करता हूं, A में quadratic करा देता हूं, क्योंकि real solution तभी होते हैं जब equation quadratic होता है, ठीक है। तो इसको बड़े प्यार से लिखता हूं, a square minus 2x square plus x 1 into a plus x raise to 4 plus x square, x square का एक ही टर्म है क्या, दो टर्म है, जरा चेक कर लेंगे। सो देखो विल चेक द प्रॉब्लम, क्योंकि एक बार यदि प्रॉब्लम गड़बड़ हो गया तो नुकसान होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं।
एक्स रेस टू फोर माइनस टू ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए स्क्वायर माइनस ए, करेक्ट। सो ए स्क्वायर, देखो यहाँ से ये और यहाँ से ये कॉमन ले लिया, और प्लस एक्स रेस टू फोर प्लस एक्स इक्वल टू जीरो आ गया। नाउ दिया हुआ इक्वेशन था एक्स रेस टू फोर में, हमने उसको कन्वर्ट किया क्वाड्रेटिक इन ए में। सो इसके कौन से सॉल्यूशंस है? रियल सॉल्यूशन है, रियल सॉल्यूशन है। इसका मतलब क्या है? डी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो है, तो इसको क्वाड्रेटिक इन ए करते हैं, तो ए का वैल्यू आ गया वन, बी का वैल्यू आ गया माइनस ऑफ टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, और सी का वैल्यू आ गया एक्स रेस टू फोर प्लस एक्स। व्हाट इज ए? ए इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। ये ए बी सी जो है, दीज आर द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स एंड कॉन्स्टेंट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड के, और ये कन्वर्ट हो गया पैरामीटर ए के क्वाड्रेटिक में। सो बी का वैल्यू माइनस ऑफ माइनस इज प्लस, प्लस और माइनस बी स्क्वायर बोले तो इसका स्क्वायर हो गया माइनस फोर इंटू ए सी अपॉन टू ए। सो ए इक्वल टू आ गया टू एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस और माइनस ए प्लस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस फोर एक्स रेस टू फोर माइनस फोर एक्स होल डिवाइडेड बाय टू ए। फोर एक्स फोर, फोर एक्स फोर चला गया, सो ये क्या बना रहे? टू एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस और माइनस फोर एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस वन अपॉन टू ए, द वैल्यू ऑफ ए इज़ वन। सो स्क्वायर रूट के अंदर जो बन गया वो बन गया क्वाड्रेटिक क्वांटिटी। क्या बना रहे? इट इज़ क्वाड्रेटिक क्वांटिटी। सो ये बना 2x माइनस वन का होल स्क्वायर। आपको मालूम है स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर चला आ जाता, क्या होता रे? चला आ जाता। सो इट इज प्लस और माइनस 2x माइनस वन अपॉन टू। सो दिया हुआ इक्वेशन x रेस टू फोर में दिया था, उसको हम क्वाड्रेटिक में नहीं कर पाए, क्योंकि रियल सॉल्यूशन किसका होता है? रियल सॉल्यूशन क्वाड्रेटिक का होता है। सो दिया हुआ इक्वेशन जो एक्स रेस टू फोर में था, मैंने क्वाड्रेटिक इन ए स्क्वायर में करा दिया, और ये क्वाड्रेटिक का मैंने सॉल्यूशन निकाला। सॉल्यूशन निकाल के मुझे दो केसेस मिले। कितने केसेस मिले रे? दो। व्हाट आर दैट टू केसेस? व्हाट आर दैट टू केसेस? देखो दिस इज ए इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स माइनस वन अपॉन टू, और दूसरा मिला ए इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एक्स माइनस वन अपॉन टू। सो ये आइदर और नहीं, एक तो ये है एक तो ये, ऐसा नहीं, ये भी होगा ये भी होगा। सो क्या किया जाए? दो अलग अलग इक्वेशंस मिले। ये आ गया देखो टू ए इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स माइनस वन, टू ए इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एक्स प्लस वन, प्लस वन माइनस वन चला गया, डिवाइडिंग बाय टू करेंगे ए इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इधर भी डिवाइडिंग बाय टू करेंगे ए इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। सो हमें कितने क्वाड्रेटिक मिले रहे? वी गॉट टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए इक्वल टू जीरो एंड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन माइनस ए इक्वल टू जीरो। बोलो
ये आ गए। देखो मैंने बोला था एक्स रेस टू फोर आया तो किस में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा, क्वाड्रेटिक में, क्योंकि क्वाड्रेटिक के लिए हमें मालूम है रूट्स एंड रियल, बट रूट्स आर रियल, डी ग्रेटर दैन इक्वल्स टू जीरो, दैट इज बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो। इधर भी लिख देते हैं रूट्स आर रियल, डी ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो, बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी ग्रेटर दैन इक्वल्स टू जीरो। ये आ जाएगा वन प्लस फोर ए ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो, ये आ जाएगा वन माइनस फोर इंटू वन माइनस ए ग्रेटर दैन इक्वल्स टू जीरो। ये दोनों कंडीशंस को हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। ये प्रॉब्लम में याद क्या रखना, एक्स रेस टू फोर आया तो क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करने की कोशिश करना। सो ये आया रे फोर ए ग्रेटर दैन इक्वल टू माइनस वन, ए ग्रेटर दैन और इक्वल टू माइनस वन। इधर क्या होगा रे वन माइनस फोर प्लस फोर ए ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो, माइनस थ्री ए माइनस थ्री प्लस फोर ए ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो, फोर ए ग्रेटर दैन इक्वल टू फोर, सॉरी ग्रेटर दैन इक्वल टू थ्री। सो व्हाट इज द इंटरसेक्शन ऑफ, व्हाट इज द इंटरसेक्शन ऑफ, नाउ इंटरसेक्शन ऑफ ए ग्रेटर दैन इक्वल टू माइनस फोर माइनस वन बाय फोर एंड ए ग्रेटर दैन इक्वल टू थ्री बाय फोर इज ए ग्रेटर दैन थ्री बाय फोर। सो ए दे दिया था रियल पैरामीटर जिसमें हमें इसका रियल वैल्यू मिला, सो ए का वैल्यू मिला ग्रेटर दैन इक्वल टू थ्री बाय फोर, सो आंसर इज ऑप्शन ए। सो इसका आंसर क्या आया, ऑप्शन ए। सो ये प्रॉब्लम में याद क्या रखना, बोल व्हाट इज टू रिमेंबर, एक्स रेस टू फोर आया तो क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करने की कोशिश करना, क्योंकि नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। ठीक है ना, यहाँ नंबर्स ए बी सी रियल दे दिए और वो क्या फॉर्म करना है, एरिथमेटिक सीक्वेंस फॉर्म कर रहा है। नाउ ए ग्रेटर देन बी, ये सब पॉजिटिव है, बड़े बड़े हैं, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ एग्जैक्टली वन रूट, एग्जैक्टली वन रूट बोले तो, एग्जैक्टली वन रूट बोले तो डी इक्वल टू जीरो। नाउ सॉल्यूशन क्या क्या दिया है वो हमें लिखते हैं, गिवन दैट ए बी सी आर इन ए पी, दैट इज टू बी इक्वल टू ए प्लस सी, दैट इज बी इक्वल टू ए प्लस सी बाई टू, इक्वेशन नंबर वन। नाउ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज एग्जैक्टली वन रूट, दैट इज डी इक्वल टू जीरो, बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो, दैट इज बी स्क्वेयर इक्वल टू फोर ए सी, इक्वेशन नंबर टू। और हमें क्या बोला है वो रूट का वैल्यू क्या है, देखो व्हाट इज एक्स, एक्स इज माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट डी अपॉन टू ए, डी का वैल्यू टू है, सो वी वांट माइनस बी बाय टू ए, बराबर है। सो कुछ भी हो जाए हमें किसका वैल्यू चाहिए, माइनस बी बाय टू ए का वैल्यू चाहिए, और इसमें से कौन सा वैल्यू माइनस बी अपॉन टू ए का आता है वो बताना है। देखो भाई बी स्क्वेयर इक्वल टू फोर ए सी डिवाइडिंग बाय टू ए करते, सो
बी स्क्वेयर अपॉन टू ए इक्वल टू फोर ए सी अपॉन टू ए, दिस इज टू सी। नाउ हमें किसका वैल्यू चाहिए, बी बाई टू ए, इधर का बी उधर चला गया, सो बी अपॉन टू ए इक्वल टू टू सी अपॉन बी। लेकिन बी का वैल्यू क्या है रे, बी का वैल्यू है ए प्लस सी बाई टू, दिस इज टू सी अपॉन ए प्लस सी अपॉन टू, ए टू ऊपर चला गया, दैट इज फोर सी अपॉन ए प्लस सी। नाउ ऊपर वाले सी को बोला नीचे आ जा, दिस इज फोर अपॉन ए प्लस सी अपॉन सी, दिस इज फोर अपॉन ए बाई सी प्लस सी बाई सी, दिस इज फोर अपॉन ए बाई सी प्लस वन, इसका नाम हो गया तीन, इसका नाम हो गया चार। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे बोलते हैं, एक था राजा एक थी रानी, उसके दो बच्चे थे तीन बच्चियां थे उनकी थी ये कहानी। सो इसमें क्या क्या दिया है ये इम्पॉर्टेंट है। पहला मैसेज था ए बी सी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो कंडीशन आ गया। दूसरा क्या दे दिया था, एग्जैक्टली वन रूट है तो d इक्वल टू जीरो आ गया। ठीक है, नाउ अभी एग्जैक्टली बोले तो अभी हमें क्या चाहिए, वो एग्जैक्टली वन रूट है तो वो रूट क्या है हमें देखना है, ये माइनस बी बाई टू ए है। सो हमें मालूम है बी स्क्वायर अपॉन फोर ए सी, बी स्क्वायर इक्वल टू फोर ए सी, डिवाइड बाई टू ए कर दिया और हमें बी बाई टू ए का वैल्यू चाहिए। बी बाई टू ए का वैल्यू आया फोर अपॉन ए बाई सी प्लस वन। अरे हाँ ना, नाउ अभी हमें क्या चाहिए, बी बाई टू ए का वैल्यू मिला लेकिन ये किस में मिला रे, ये मिला ए बाई सी में। सो वी वॉन्ट टू नो द वैल्यू ऑफ ए बाई सी। अभी हमें करना क्या है, वी वॉन्ट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बाई सी, बराबर है। नाउ देखो बोलो व्हाट इज बी स्क्वेयर, बी स्क्वेयर इक्वल टू फोर ए सी, व्हाट इज बी ए प्लस सी बाई टू। नाउ ये हो गया ए प्लस सी बाई टू का होल स्क्वेयर इक्वल टू फोर ए सी। नाउ इट इज ए प्लस सी होल स्क्वेयर, सो शैल आई डिवाइड बाई फोर स्क्वेयर कर दिया तो ये हो गया ए प्लस सी होल स्क्वेयर, क्या हो गया रे ए स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस टू ए सी, ये हो गया फोर फोर जा सिक्सटीन, वो सिक्सटीन ए सी इधर आ गया। सो ये बना ए स्क्वेयर माइनस फोर्टीन ए सी प्लस सी स्क्वेयर। मुझे किसका वैल्यू चाहिए था रे, आई वॉज नोइंग द वैल्यू ऑफ, आई वॉन्ट टू नो द वैल्यू ऑफ ए बाई सी, इसीलिए मैं सी स्क्वेयर से डिवाइड करा देता हूँ, दिस इज ए स्क्वेयर बाई सी स्क्वेयर माइनस फोर्टीन ए सी बाई सी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर बाई सी स्क्वेयर इक्वल टू जीरो। सो इट इज ए बाई सी होल स्क्वेयर माइनस फोर्टीन ए बाई सी प्लस वन इक्वल टू जीरो। ये कायमे क्वाड्रेटिक बन गया रे, इट इज क्वाड्रेटिक इन, इट इज क्वाड्रेटिक इन ए बाई सी। सो ए इक्वल टू वन, बी इक्वल टू माइनस फोर्टीन, सी इक्वल टू वन। सो इधर मैं लिख के रखता हूँ बी बाई टू ए का वैल्यू क्या था, फोर अपॉन ए बाई सी प्लस वन, इसका नाम था चार। क्योंकि मिटाएंगा तो अपने को बाद में याद आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। सो ए बाई सी इक्वल टू क्या आ गया, फोर्टीन, फोर्टीन का स्क्वायर माइनस फोर अपॉन टू, दिस इज फोर्टीन, दिस इज वन नाइन्टी टू, वन नाइन्टी टू इज नथिंग बट सिक्सटी फोर, थ्री जा सिक्सटी फोर बाहर आके कितना हो गया रे, इट इज एट, डिवाइड बाई टू कर दिया, डिवाइड बाई
टू कर दिया तो ए बाई सी का वैल्यू आया 7 प्लस और माइनस 4√3। सो ए बाई सी के कितने वैल्यूज आ गए रे? दो। ये दो में से कौन सा रिजेक्ट करना है, कौन सा लेना है? देखो, ए इज ग्रेटर दैन आर इक्वल टू बी, इज ग्रेटर दैन इक्वल टू सी, बोले तो ए बाई सी ग्रेटर दैन 1 होना चाहिए, क्योंकि ए बड़ा सी छोटा। सो देखो, ए बाई सी का एक वैल्यू आया 7 माइनस 4√3, ये आया लेस देन 1। अरे ये लेस देन 1 आया क्या? इट इज रिजेक्टेड। और ए बाई सी का 7 प्लस 4√3, इट इज ग्रेटर देन 1, एक्सेप्टेड। ये लेस देन 1 आता है, ये ग्रेटर देन 1 आता है, और हमें जो कंडीशन दिया था वो कंडीशन बोलता है ए बाई सी ग्रेटर देन 1 है। नाउ सो अभी क्या करेंगे, ये वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 4 में। पुटिंग इन इक्वेशन 4, बी बाई टू ए इक्वल टू 4 अपॉन ए बाई सी प्लस 1, 4 अपॉन 7 प्लस 4√3 प्लस 1। दिस इज 7 × 1 = 8, ऊपर नीचे से 4 चला गया, दिस इज 4, तो ये आ गया 2 + √3। 2 + √3 यहाँ कहीं तो है नहीं, तो ये इरेशनल आ गया। इरेशनल आ गया तो क्या किया जाए? रैशनलाइज किया जाए। सो ये आया 2 − √3 / 4 − 3। सो बी बाई टू ए, व्हाट इज बी बाई टू ए? 2 − √3। इज इट द सॉल्यूशन? इज इट द आंसर? नहीं, क्योंकि एग्जैक्टली 1√ का मतलब होता है डी इक्वल टू 0, बट व्हाट इज द रियल पार्ट? व्हाट इज द रियल पार्ट? देयरफॉर 1√ इज माइनस बी बाय टू ए। बी बाय टू ए का वैल्यू हमको मालूम है 2 − √3, और ये आया −2 + √3। कितना आया रे? इट इज −2 + √3। बड़ा प्यारा क्वेश्चन था ये। कैसा क्वेश्चन था बाबू? बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चंस था। क्वेश्चंस बहुत अच्छे रहते हैं, चलते चलते धोखा दे के चल जाते हैं। समझ में आ गए? यहाँ नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमने 5 लेक्चर ले लिया, नियरली अबाउट 20 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, बहुत टिपिकल और बहुत अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। यहाँ नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ख़त्म हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ रूट्स आर गिवन। ठीक है, बचे हुए प्रॉब्लम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए आयुष, थैंक्स।